हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला राज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे हमारा थंबनेल, कि आज हमारा जो है वो ब्लैक बुक का सीरीज़ जैसा कि आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक उसी तरीके से हमारा OWS का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, OWS का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पहले CGL का सारा OWS कवर किए हैं, और कल के वीडियो में मैंने CHSL का किया पूरी तरीके से, और आज हम लोग करेंगे MTS का। क्लियर, आज हम लोग करने वाले हैं MTS का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस नए चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे मित्र। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। द एक्सप्रेशन ऑफ विस दैट मिस फॉर्चून और डूम वी फेल अ पर्सन, कर्स बोलते हैं इसको, कर्स। क्लियर, अ प्लेस ऑफ ऑमिनिशन एंड वेपन्स, ठीक है, आर्सेनल मतलब कि वैसा जगह जहाँ पर हथियार वगैरह को रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं आर्सेनल। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जिसको दान में दे दिया जाए उसे हम लोग कहते हैं लिगेसी, विरासत में जिसको मिल गया हो। ठीक है, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, वैसा पर्सन जो बहुत सारा कर्ज लिया हो और उसको पे नहीं कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकक्रप्ट। क्लियर, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो बहुत जल्दी ना थके उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिटिजिबल, क्या बोलेंगे इसको, इनडेफिटिजिबल, जो जल्दी ना थके। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट उसको कहते हैं, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स जो हमेशा दिखे पर्सन को उससे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्लियर, नेक्स्ट सवाल, क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्ट ऑफ और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स ऑन फिट, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे क्लाइंबर। आ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, उसे हम लोग कहेंगे क्यूरेटर। क्लियर, नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन, एनी अवार्ड, नाइन नंबर, एनी अवार्ड ऑनर और लेबोरेटरी नोटिस, ठीक है, एकोलेड, ऑप्शन नंबर एकोलेड। समथिंग हैपन इन थ्री ईयर्स, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रीनियल, जो तीन साल से हो ट्रीनियल। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाई हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। क्लियर, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिक। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और टायर्स ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ, ठीक है, लॉलीसनेस, ठीक है, आर्कनिस्ट, क्या कहेंगे उसको, अनार्चिस्ट। क्लियर, वन हु बिलीव्स इन फैट, फैटलिस्ट। क्लियर, तो देख रहे होंगे आप लोग बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है, पता है आप लोग लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, ठीक। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स इन फैट, फैटलिस्ट कहता है। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, उसको बोलते हैं फिलेटली, फिलेटली। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर वगैरह जो बेचता है उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट, ठीक है। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, डेरिलियम। वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, ये तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, जो क्वाइन वगैरह सिक्के वगैरह को जो कलेक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं नूमिसमेटिस्ट। अ लार्ज बंडल बाउंड ऑफ स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में बहुत ही बड़े बड़े बंडल को स्टोरेज करना उसे बोलते हैं बेल, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर, मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुल, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली एज अ जेन्युइन, उसे क्या कहेंगे, काउंटरफिट। क्लियर, नेक्स्ट किलिंग ऑफ सेल्फ, जो अपने आप को मार दे, आत्महत्या कर दे, उसे कहते हैं सुसाइड। क्लियर, नेक्स्ट सवाल ये रहा, एन इमेजिनरी नेम अजम्ड बाई एन ऑथर, स्यूडोनेम, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड माइंड ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी। वन हु स्टडीज इंसेक्ट ऑफ लाइफ, इंटोमोलॉजिस्ट, जो बहुत सारे कीटों वगैरह का जो अध्ययन करता हो। वॉर और ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, ठीक है, लूनर। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, प्लूक्रेशी। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, वेटरन।
A agreement between enemies or opponents to stop fighting, arguing, etc. for a certain period of time. Truce कहते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं? Truce. ठीक है. One who knows all, जिसको जो सबको जानता हो, omniscient. One who runs away from justice or dangerous situation, fugitive, भगोड़ा. Having or forming a head, outer layer, crusted. ठीक है. Next, the study of the heart and its action and disease, cardiologist. Incapable of making mistake of being wrong, infallible. Something, someone working or acting merely for money or other rewards, mercenary. Non-professional who is inept at a particular activity, amateur. Having a common center and circle of the sphere, concentric. Concentric, क्या कहते हैं उसको? Concentric. One who can use either one hand with his ambidextrous, जो दोनों हाथों से मतलब कि लिखता हो, काम करता हो, एक साथ एक टाइम पे. 39 नंबर क्वेश्चन. Exiting or happening in the same time period, contemporary. A room in a public building where outdoor clothes or luggage may be left. ठीक है. क्लॉक वार्म उसको कहेंगे, क्लॉक रूम. अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, एवियरी. क्या कहेंगे उसको फ्रेंड्स? एवियरी. क्लियर है? एवियरी. नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ काउजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, इमिटेशन. क्या है उसका? इमिटेशन. अ गेम इन विच नो वन विंस, उसको कहते हैं ड्रॉ हो जाना. क्लियर? बहुत ही आसान आसान सा सवाल है. नेक्स्ट 44 नंबर. वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग. ठीक है. एक्सट्रोवर्ट. समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, रिजर्व्ड. अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहाँ बीज वगैरह रहता है उसको बोलते हैं एपियरी. वन हु डज अ थिंक फॉर प्लेजर एंड नॉट टू अ प्रोफेशन, अमेच्योर. इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बींग रॉन्ग, इनफेलिएबल. Someone working or acting merely for money or other rewards, mercenary. Clear? Next हमारा government by king or queen. ठीक है, monarchy. Clear? Next 51 number question. ये रहा friends. कितना है हम लोग देख लेते हैं, तो करीब 100 words हैं. हम लोग 51 तक कर चुके हैं. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए. वायलेशन और म्यूसेस ऑफ वाट्स इज रिगार्डेड एज सेक्रेड. ठीक है, सेक्रिलीज कहते हैं उसको हम लोग. ऑक्यूरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ सेड पर्सन, पोस्थ्यूमस. अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्क्यू, मुर्दा घर. फीलिंग ऑफ ग्रांट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट. ठीक है, यूफोरिया. क्या बोलूँगा? यूफोरिया. नेक्स्ट, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली, वर्बटिम. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी. एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, बोहेमियन यू कैन से. नेक्स्ट, वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर, फिलिस्टीन. An abbreviation formed from the initiate letter or other words and pronounced as a word, acronym. उसको कहते हैं हम लोग acronym. Clear? Next number सवाल 60. An unlikely change or occurrence, especially a piece of good luck, pluck. उसे क्या कहते हैं हम लोग? Pluck. Next, make someone bad or unsatisfactory better, ठीक है, ameliorate. आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटिन. यू कैन से दैट मैटिन. एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, नेविगेट. अ पर्सन हु प्रोड्यूस ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर. अ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट बैलेंस, इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट 66. अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग एंड वेरियस अदर्स, एंथोलॉजी. अ शॉर्ट स्टोरी विद द मोरल, ठीक है, पैराबल.
a place for storing grain, you can say granary. क्या कहते हैं उसको? ग्रेनरी. अ ग्रुप ऑफ फिश उसे हम लोग कहते हैं स्कूल. ठीक है. द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स. क्लियर. अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट. वन हु डाइज फॉर अ नोबेल काउस, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, मार्ट्रेज. अ पर्सन, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर कैप्ट, आर्चीव. क्लियर. अ बुक दैट कंटेन्स इनफॉर्म ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, इनसाइक्लोपीडिया. अ थिंक और सब्सटांस दैट इज लिएबल टू कैच फायर इजली, इनफ्लेमिएबल. अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्च ऑपरेटेड टुगेदर एट वंस, उसको बोलते हैं बैटरी. वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसेंथ्रोप. ठीक है. नेक्स्ट हमारा, समवन हु अटैक्स चेरिश आइडियाज एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, आइकोनोक्लास्ट. ठीक है. वन हु कलेक्ट्स द स्टाम्प्स, क्या कहते हैं उसको? फिलेटलिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा, डिलिबरेटली एंड मेलिकुलस सेट समथिंग, आर्सन. ठीक. केस ऑफ स्मॉल एनिमल, हच. वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, एग्नोस्टिक. ठीक है. स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजी. वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट. ठीक है, एग्रेसिव. नॉट फिट टू ईट, इनिडिबल, जिससे खाने योग्य ना हो. अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमेडिक हॉर्ड, क्या कहते हैं उसको? हॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, एंटोनमेंट. एनिमल दैट लिव इन वाटर, एक्वेटिक. दैट विच कैन बी ईजली ब्रोकन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजाइल. ठीक है. एंड वीकनेस एंड पुअर ऑफ हेल्थ, फ्रेलिटी. टू वॉन अप टू समवन एज अ ट्रू, कन्फेस. अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, इनफेलिएबल. नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, अ साउंड दैट इज प्लेजर टू हियर, मेलोडियस साउंड, मधुर आवाज. क्लियर. तो इसी के साथ हमारा MTS में 2021 में जितना भी OWS फ्रेंड्स आया हुआ सवाल है, मैंने वो सारा कवर किया. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और एकदम शेयर करें फ्रेंड्स. ठीक है, ताकि उस ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुँचे जहाँ पर ये वीडियो जाने की ज़रूरत है. क्लियर. तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट, एंड राधे राधे दोस्तों.